भारत नाम को लेकर सियासी बवाल मच गया है। इस वक्त हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि इंडिया से आखिर भाजपा को क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है उनको, भारत से क्या आपत्ति है? हमको तो इंडिया से कोई आपत्ति नहीं है। हम तो खुद ही कई योजनाओं का नाम खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तमाम रखे हुए हैं। लेकिन भारत हमारे देश का मूल नाम है। जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे, आज से नहीं 10,000 वर्ष से हमारा नाम भारत है। तो भारत का अंग्रेजी अनुवाद है इंडिया। तो ये अलग एक बहस है कि क्या किसी देश के नाम का अंग्रेजी में अलग नाम हो सकता, अनुवाद हो सकता है क्या? अब चाइना का करिए, पाकिस्तान का करिए, अमेरिका का करिए, फ्रांस का करिए, कि इनका अंग्रेजी क्या होगा? ठीक है, हमारे देश के साथ साजिश हुई, लेकिन अब हमारा देश उदार है, उसने इंडिया भी स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन भारत तो हमारा मूल है, तो हमारे देश का नाम भारत था, भारत है, भारत रहेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति है, भारत का दर्शन है और दुनिया हमें मानती है। टाइमिंग को लेकर सवाल है। विपक्ष ये कह रहा है कि इंडिया एलायंस जो बना है इसके बाद ही ऐसा फैसला लिया। इंडिया एलायंस तो उनका है ही नहीं, उनका तो INDIA एलायंस है, इंडिया कैसे कह सकते हैं? इंडिया तो सबका है, भारत सबका है, हमारा भी, आपका भी, उनका भी, उनका भी। तो आपका नाम INDIA है, तो अब आपको झूठे आप इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसमें भी वो अपना देश विरोधी परिचय दे रहे हैं। भारत हमारे देश का नाम है, जो भारत की संस्कृति से करेगा प्यार वो कभी भी नहीं करेगा भारत के नाम से इनका। अरविंद केजरीवाल ने भी आपत्ति दर्ज कराई है, उन्होंने कहा है कि अगर गठबंधन के नाम भारत अगर हम लोग रख लें तो क्या उसका भी नाम बदला जाए? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस समय फ्रस्ट्रेशन के दौर में है ना, बोले थे बच्चों की कसम खाता हूँ किसी और पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब चेहरा देखता होगा शीशा में तो क्या दिखता होगा उसको, अपने बच्चों का भविष्य खराब दिखता होगा। उन्होंने कहा था कि हम तो ऐसा शासन देंगे कि ईमानदारी की मिसाल बनेगा, अभी किसी भी दिन जेल में चले जा सकते हैं, पूरा हाथ बांध के जा सकते हैं, इतना बड़ा अपराध किया है। ठीक है, शुक्रिया सर। तो ये थे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी।